हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। आज की क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है 2023-24 का, जो कि काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। आप सभी को पता होगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, अर्थात नई शिक्षा नीति जो आई है 2023-24 के अंदर, इसमें आपके सिलेबस को जो है पूरा बदल के रख दिया है। और आपको YouTube पे काफी वीडियोस मिल जाएंगे जिनके अंदर क्या कर रखा है उन्होंने, जो आपका 2023 में फर्स्ट में जो सिलेबस था ना, उसी को जो है यहाँ पे डाल रखा है। और वो सिलेबस बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ध्यान रखना, वो सिलेबस गलत है। अब आपके काफी ज्यादा चेंजेस हो गए हैं और आज की इस क्लास में अपन यही बात करेंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर की मैं आपको बता दूं, एग्जाम भी कब होगी फर्स्ट सेमेस्टर की और कितने पेपर लगेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में और कौन कौन सी यूनिट आएंगी, कौन कौन सी सब्जेक्ट जोड़ी गई है, तो मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री और जूलॉजी और बोटनी, इन सबके सिलेबस के बारे में इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा एंड कोई भी डाउट आपको लगे तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, कमेंट में सबके देखता हूं। ठीक है, तो सिलेबस के ऊपर अपन बात करेंगे। उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि अपने YouTube चैनल साइंस फाउंडेशन पर ऑनलाइन क्लासेज आपकी स्टार्ट हो चुकी है और क्लास का टाइम आपका रहता है शाम को 7 बजे। ठीक है, शाम को 7 PM पर जो है आपके क्लास का टाइम रहता है, तो क्लास जरूर लिया करो। ठीक है, फ्री क्लासेज हैं, कोई भी उनका आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं बात करूं बीएससी फर्स्ट ईयर सिलेबस 2023-24 जो है इसका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस की अपन बात करेंगे। तो पहला है फिजिक्स और दूसरा है केमिस्ट्री एंड तीसरा है आपके मैथ। ठीक है, ये 3 पेपर हो गए और एक पेपर आपके लगा लो यहां पर जूलॉजी। ठीक है, ये जूलॉजी का पेपर हो गया। ठीक है, और एक पेपर आपके लगा लो बोटनी। ठीक है, BOTANY बोटनी, तो ये 2 पेपर और हो गए आपके। तो ये जो टोटली सिलेबस पे अपन बात करेंगे, ये मैथ एंड बायो दोनों का सिलेबस है। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं, फिजिक्स में आपके एक ही पेपर लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, कितना पेपर लगेगा, एक ही पेपर लगेगा। केमिस्ट्री में आपके एक ही पेपर लगेगा, अब से पहले केमिस्ट्री के अंदर आपके 3 पेपर लगते थे। ठीक है, वो 3 का सिस्टम बिल्कुल हटा दिया गया है। पहले एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर लगता था, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर लगता था, एक फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर लगता था। ठीक है, ये 3 पेपर आपके लगते थे, अब जो है आपके सिर्फ यहां पर एक ही पेपर लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर में और वो पेपर जो है उसका नाम भी यही रहेगा केमिस्ट्री। ठीक है, उसका नाम ये नहीं रहेगा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल, ये तीनों में से कोई भी नहीं रहेगा, मात्र आपके जो है नाम रहेगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पेपर लगेगा और एक ही पेपर लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। और वो पेपर जो है आपका कहां से लिया गया है, पहले आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन दोनों और एक फिजिकल केमिस्ट्री, 3 पेपर थे। अब यहां पर जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन फर्स्ट सेमेस्टर से बिल्कुल हटा दिया गया है, फर्स्ट सेमेस्टर से जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका पोर्शन बिल्कुल हटा दिया गया है। यहां पर सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, यहां से यूनिट एड की गई है आपके सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर। ठीक है, तो सेमेस्टर फर्स्ट में आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यहां पर 2 यूनिट ली गई है और फिजिकल केमिस्ट्री से 3 यूनिट यहां पर ली गई है। अब 2 और 3 टोटल आपके यहां पर 5 यूनिट हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर है वो इस बार काफी लेंथी होना होगा और आपके काफी हार्ड पेपर जो है इस बार होगा, तो अच्छे से पढ़ना है। सेमेस्टर की एग्जाम के बारे में भी मैं बताऊंगा, उससे पहले अपन जो केमिस्ट्री है इसका जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बायो वालों के भी यही चलता है। ठीक है, और मैथ वालों के भी यही चलता है, केमिस्ट्री का सेम रहता है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं मिलेगा इस केमिस्ट्री के पेपर में। तो आपको समझ में आया होगा कि केमिस्ट्री का सिर्फ आपके जो है एक पेपर लगेगा
और उस पेपर का नाम ओनली फॉर केमिस्ट्री होगा, ये नहीं होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2 यूनिट आपके ली गई है और फिजिकल केमिस्ट्री से 3 यूनिट ली गई है, अर्थात 5 यूनिट का आपके एक पेपर आएगा। फिर जो सेकेंड सेमेस्टर होगा उसके अंदर आपके जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2 यूनिट ली जाएगी और फिजिकल केमिस्ट्री से आपकी यूनिट ली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से रहेगा, अर्थात आपके 3 सेमेस्टर लगेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। सेमेस्टर आपके कितने लगेंगे? 3 लगेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर। फर्स्ट ईयर के अंदर टोटल सेमेस्टर कितने लगेंगे? 3 सेमेस्टर लगेंगे, जिनमें से फर्स्ट सेमेस्टर मतलब तीनों सेमेस्टरों में इन तीनों बुकों में से जो है अलग अलग करके लिया जाएगा, यूनिट का डिवाइड किया जाएगा। अब फिजिक्स के अंदर जो है आपका एक पेपर लगेगा और वो पेपर कौन सा रहेगा? मैकेनिक्स, ठीक है, इसको कर लेना। और इनमें ज्यादा चेंज नहीं होगा, मैथ में एक पेपर होगा और फिजिक्स में एक पेपर होगा आपका, जिसमें ये सब्जेक्ट आपकी रहेगी। इसमें एक दो चैप्टर, सिर्फ एक या दो चैप्टरों का जो है उल्ट फेर हो सकता है, बाकी सिलेबस आपका सबका यही रहेगा। मैथ में आपके यही बुक रहेगी और इस बुक के अंदर जैसे कि दो चैप्टर हटा दें या फिर मतलब थोड़ा बहुत उल्ट फेर होगा, बाकी बुक यही रहेगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए फिजिक्स का क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, फर्स्ट सेमेस्टर में इस बुक को क्लियर कर लेना। केमिस्ट्री के अंदर मेरे हिसाब से क्लियर है आपके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों को मिलाकर एक पेपर लिया जाएगा आपका सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर, और इन दोनों में से इसमें से 2 यूनिट आ जाएगी, इसमें से 3 यूनिट आ जाएगी, टोटल आपके 5 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने मैथ की बात करें, मैंने एक ही पेपर लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर में और जो भी इस सब्जेक्ट का होगा, ठीक है, तो क्लियर कर लेना। अब बात करें जूलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी में भी आपके तीन तीन क्या होते थे, बुक होती थी, तीन तीन पेपर होते थे आपके जूलॉजी और बॉटनी के अंदर। अब जो है आपके सेमेस्टर फर्स्ट में एक पेपर एक सेक्शन से लिया जाएगा, दूसरे सेक्शन से, तीसरे सेक्शन से, इस टाइप से जो है जूलॉजी और बॉटनी का लिया जाएगा। बाकी जूलॉजी और बॉटनी का सिलेबस अभी तक यूनिवर्सिटी, कोई सी भी यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर नहीं डाला है, ठीक है, और जो ये YouTube वाले डाल रहे हैं वो बाकी अपने मन से डाल रहे हैं, यूनिवर्सिटी का अभी तक कोई सिलेबस नहीं है इनका, यूनिवर्सिटी ने अभी सिर्फ केमिस्ट्री का सिलेबस जारी किया है और ये भी संभावित जारी किया है, ध्यान रखना। यूनिवर्सिटी ने साफ साफ शब्दों में लिखा था कि ये केमिस्ट्री का संभावित सिलेबस है, यदि इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे तो आपको इस महीने के अंदर अंदर या फिर अगले 5 दिनों के अंदर अंदर बता दिया जाएगा, तो आप अपने चैनल से जुड़े रहना, अगर कोई भी अपडेट यूनिवर्सिटी देती है तो मैं बता दूंगा। फिर एक सबसे बड़ी बात कि सेमेस्टर की एग्जाम कम होगी, सेमेस्टर की एग्जाम मैं बता दूं आपके दिसंबर में होगी, कब होगी? दिसंबर में सेमेस्टर की एग्जाम होगी और दिसंबर में ही सेमेस्टर के प्रैक्टिकल हो जाएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल भी दिसंबर में हो जाएंगे और सेमेस्टर के एग्जाम भी दिसंबर में हो जाएंगे। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इस बार से फर्स्ट ईयर वालों तैयार रहना, काफी अच्छा पेपर आएगा, काफी हार्ड पेपर आएगा और काफी बड़ा पेपर आएगा, तो तैयारी अभी ही से स्टार्ट कर दो। अपन ने कुछ क्लासेज शाम को 7:30 बजे आपको मिल जाएंगे रोज, वो लगा रखी है, उनको कर लेना। इंपॉर्टेंट ट्यूशन सीरीज जारी कर दी गई है, उनको पढ़ लेना, ठीक है। तो यहां पर अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी जब जाके बीएससी होगी। पहले ये सिस्टम था कि साल में एक बार एग्जाम होती थी, जैसे इस बार सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, जो सिलेबस उनका पहले का था वही सिलेबस अब रहेगा, ध्यान रखना। सेकंड ईयर और फाइनल ईयर का चेंज नहीं हुआ है, ओनली फॉर फर्स्ट ईयर का हुआ है। और अब आप फर्स्ट ईयर में हो, आपका जिस टाइप से ये एग्जाम का शेड्यूल है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर लगेगा, सेकेंड लगेगा, थर्ड लगेगा, उसी टाइप से आपको सेकेंड ईयर में देखने को मिलेगा और इसी टाइप से फाइनल ईयर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जो सिलेबस के ऊपर थोड़ी सी मैंने चर्चा की। बाकी आपको मैं ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से यूनिट हैं, जैसे अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन को एक तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट यूनिट थी अपनी, क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कौन सी? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके फर्स्ट यूनिट थी, तो वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ली जाएगी। और एक थी आपके कंपाउंड सह संयोजक बंध,
ठीक है, सह संयोजक बंद थे आपके, तो ये दो यूनिट आपके ऐड की गई है और ये इस पेपर में आपको मिलेगा। बाकी अपने यहां से तीन यूनिट जो है फिजिकल केमिस्ट्री से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सेकंड और तीसरी है साम्य आयनिक यौगिक, ये तीन लिए जाएंगे और इसके बारे में अपन केमिस्ट्री का फुल डिटेल से सिलेबस देखेंगे जो आपको कल शाम को मिल जाएगा। केमिस्ट्री का फुल सिलेबस देखेंगे, अभी तो एक मोटा सा अपन ने देखा है कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स और जूलॉजी और बॉटनी, इनमें कितने पेपर लगेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। और सेमेस्टर की एग्जाम डेट होगी दिसंबर में, आपकी एग्जाम ले ली जाएगी और दिसंबर में ही आपके प्रैक्टिकल एग्जाम ली जाएगी। अब ये भी ध्यान रखना प्रैक्टिकल एग्जाम भी उसी टाइप से होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के साथ पहली प्रैक्टिकल एग्जाम होगी, दूसरी तीसरी, इस टाइप से ही प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न मान लो, पेपर पैटर्न मान लो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रत्येक सब्जेक्ट के फुल सिलेबस के बारे में। अगर मैं इसी वीडियो के अंदर आपको सिलेबस बताऊं तो काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इस वजह से केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में कल बात करेंगे, फिर मैथ का एक क्लास के अंदर एक ही सब्जेक्ट का सिलेबस बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।